गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। रवनीत तो हो गया स्कूल के लिए रेडी, आ रही गुल्लू और रवनीत को छोड़ के आ रही स्कूल, रेडी हो क्या के निकल रही है। क्या हुआ? रेड ऑरेंज जेब में डाले, डालू इधर डाले पॉकेट में, क्यों? वाह मेरे बच्चे, अरे पुट्टी खा के आए हैं। गाइस अवनीत को छोड़ के आगे पसीना भी नहीं सूखा और ये कह रही मुझे ऐसे ले लो, हैं? ये नौटंकी वॉच की, पर मुझे ऐसे ही ले लो, ये देख। हवा भी चल रही है बट इतनी स्पीड से चलते हैं, इतनी स्पीड से आती हूँ। नहीं बच्चे, इसको ना इसको ऐसे लेना है, कैसे लेना? अच्छी कुछ लेना? हाँ बोलो जी बोलो, नहीं बोलना? ना बेटू, गाइस नाश्ता वगैरह हो गया, अब लगाऊंगी मशीन और पोचा पेंडिंग, और पोचा भी लगाना है। अरे रीढ़ की हड्डी में हो गया दर्द, पता नहीं क्यों होता है यार। आशो ले, इसको गुस्सा आएगा क्योंकि ऐसे क्यों वो कर दिया, अभी नहीं आया, अब तो खेल रही है फोन को देख के। ये फोन को देख के खेल रही, फोन को देख के तो खेलती है वैसे नौटंकी के। मेरी जी तरह नौटंकी आ सारे बच्चे ने, वो भी मेरे तरह, और ये भी मेरी तरह है। बेटी देख के को पापा कितने से बारिश में कितने बड़े बड़े जाम लाए हैं, कुछ 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 पहले यानी करे करे फिर कर के फिर कुछ। अब मैं मेरी बेटी के लिए केली केली करेगी थोड़ी देर, केली केली करेगी हम लोग आपको गाइस थोड़ी देर में, क्योंकि मैं लाइना के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। मेरी बच्ची सुबह सुबह क्लिक क्लिक वो कर ले, क्लिक वाली कर ले, क्लिक क्लिक वो कर ले, क्लिक क्लिक वो कर ले। चलो ठीक है खेलते हैं। सो गाइस लाइना पीरियड दर्द दूध अवनीत सो गए हैं, केबल है मम्मा ही कुर्ता पजामा पहन के सोऊंगा या पहनूंगा अपने आप निकाल के लेके आया,
और अभी लाइट आई है, अभी लाइट आई जस्ट सुबह की गई हुई है, 12 बजे गई थी, अभी लाइट आई है और अभी सोया बेचारा। इधर देखो, इधर सेटिंग कर दी थी, एक फैन चला दिया था। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोल। रोल के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने शिमला, ये ऑरेंज वाली गाजर, रेड वाली भी डाल सकते, अभी तो ऑरेंज है ये, पत्ता गोभी और अनियन और ग्रीन चिली, हरी चिली, हरी मिर्च छोटी वाली। और इधर मैंने कर लिया है डो तैयार, अभी लगा के बस हो गया है। अभी फटाफट इसको पहले फ्राई करेंगे और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तब तक रेस्ट मिल जाएगा। और मैं ये बना देती हूँ, तब तक रख दिए कढ़ाई का इस। अब डालेंगे इसमें ऑयल। 3:30 बज चुके क्योंकि शिमला मिर्च और नींबू अभी दे के गया वो निकम्मा, सॉप वाला ऑर्डर किया था, तो पहले अभी फ्राई कर लेते हैं इनको। कुछ आपने डालना हो डाल सकते हैं, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई करेंगे। पहले इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के से बस सोते करेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक टेस्ट अनुसार। रेड चिल्ली, रेड मिर्च, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर डालना हो डाल सकते हैं, चाट मसाला डालना हो डाल सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं डालूंगी इसमें, ये दो चीज़ डाली है बस। क्योंकि मैं डालूंगी क्रीम और ये सॉस, मैं और ये की ये रेड मिर्ची की कुछ चटनी है वो डालूंगी इसके अंदर, फिर इनका टेस्ट जाएगा जबरदस्त। तीखा होता है मिर्ची इसमें ज्यादा, थोड़ा समय के तो भाई जब इसके अंदर जाएगी क्रीम, और इसके अंदर जाएगी टोमेटो केचप, स्टफिंग भी बोल सकते हैं और फिलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी रेडी, अब इसको रखते हैं हम साइड में। ये वाला रोल, ओ सॉरी, ये वाली रोटी बिल्कुल सही बनी है, बड़ी बनी है, पहले से अच्छी बनी है, मतलब फर्स्ट है ये, जो पहले बनाए थे ना रोल वो छोटे बने थे, ये आज ठीक बने हैं, खुश हो रही मैं, पूरे लंबे लंबे बनेंगे आज तो। गाइस यहाँ बन रहे हैं रोल, यमी यमी रोल, 2-3 बना दिए हैं अभी, मतलब इसमें मसाला तो भरना ही होगा। यहाँ पे इसकी फिलिंग रेडी है ऑलरेडी, स्टफिंग भी बोल सकते हैं, फिलिंग भी बोल सकते हैं। रोल है और ये बिल रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है नया वाला, तो जाएगा ये तवे के ऊपर। इसके
किसी भी ट्रिक का लंबे गर्दन के लिए। बड़ा यम्मी बनता है यार, लास्ट टाइम मैंने खाया था अभी दो दिन पहले बनाया था मैंने, बड़ा यम्मी बना हुआ था संडे को। इनकी किस्मत में नहीं था ये एक ही खा पाए दो मिल के आफाफ। देखते हैं आज कैसा टेस्ट बनता है। देखो गाइस कितना बड़ा रोल बना दिया है। अब ये बनेगा छोटू सा क्योंकि ये बन गया आटा, थोड़ा सा बचा हुआ बस। तो गाइस अभी करेंगे हम इसकी फिलिंग। तो ये एक रोल हो गया पैक, फिलिंग डाल दिया इसके अंदर। इसी तरीके से सारे रोल को करना है फिल, फिलिंग काफ़ी है। अच्छा हो गया, अरे अभी उठने का नाम ही नहीं ले रहा बेचारा, परेशान कर दिया ना, एसी नहीं चल रही, कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अभी सोफे पे सोया है, लाइट भाग गई है, अभी आई थी भाग रही है, आई थी भाग रही है, पूरा दिन हो गया दोनों बच्चों ने, परेशान हो रहे बेचारे। और ये अपना यहाँ पे है, यहाँ पे ये तो है छुटकी सी, तो इसको तो नींद ही नहीं आती बिना एसी, ये तो बेचारा फिर भी अपनी नींद पूरी कर लेगा कैसे न कैसे। पूजा गुलूच 6:30 हो गए, रात को सो लेना है मेरी गुलिया, उठे बेटू। तो गाइस यहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट, हल्की हल्की सी अभी, तो वॉल पे देख सकते हो आप। और ये गुड़गांव की साइड में मौसम बेटा, अच्छा आपको भी दिखाना है। यस ये कह रहा है, नहीं तो मुझे भी दिखाओ करे। ये देखो कैसे लटका हुआ है ग्रिल के ऊपर, और ये भी कह रही है मुझे भी दिखा दो, मेले को भी दिखा दो, मेले को भी दिखा दो। ये नीचे जाने की तैयारी में अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, प्लान प्लानिंग फेल हो गई है, फ्लॉप हो गई। तो ये है यहाँ का मौसम, मौसम आपको नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, अब दिख रहे हो। ये है अरावली पहाड़ी, अवनीत का फेस देखो कैसा कर रखा है, इसको ठीक से पकड़ के रखो यार। हवा भी ठंडी चल रही है, पूरी तेज चल रही थी, इधर वाली बात नहीं लग रही। अच्छा जो दिन में गर्मी कर रखी थी ना, अब वो बारिश होगी तो अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंड शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। पीकॉक बोल रहे हैं यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे प्लांट्स थे कुछ हरे हो गए थे, बट ये दोबारा से सूखने लग गए हैं यार। नहीं सूख नहीं रहे, गुलाब के फूल आए थे दो तीन, ये वाला तो हरा हो ही गया है, बट ये सूख गया साइड वाला, ये भी सूख गए हैं यार, ये भी सूख गए हैं आपके यार दोनों। क्या आपने ज्यादा डाल दिया इसमें? क्या नहीं नहीं सूखा नहीं, तुलसी तो हरी है।